नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS with Shorthand में, जहां आपके लिए लेके आता हूं हर दिन एक नया डिक्टेशन। इसलिए आप लिखने से पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हर दिन पाएं एक नई डिक्टेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। इंसान का व्यक्तित्व एक नदी की भांति होता है। जिस प्रकार एक नदी अपनी मर्यादा में रहकर दूसरों का कल्याण करती है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति मर्यादा एवं संयम की सीमा में रहकर समाज के अन्य सदस्यों का कल्याण कर सकता है। मर्यादा एवं संयम की सीमा उसमें तभी आ पाती है जब उसमें ऊंच नीच, अच्छा बुरा, उचित अनुचित को समझने की क्षमता हो, और यह क्षमता सद्बुद्धि युक्त अर्थात सुमति संपन्न व्यक्ति में ही आ सकती है। जिस प्रकार कोई नदी उत्श्रृंखल होकर अतिवृष्टि के परिणाम स्वरूप बाढ़ आने से विनाश एवं दूसरों के दुखों का पर्याय बन जाती है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति सद्बुद्धिहीन या सुमतिविहीन बनकर पूरे समाज के लिए विनाश का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार बाढ़ग्रस्त नदी के तीव्र वेग को कम करने के लिए उसमें कई धाराएं निकाली जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपने उन्माद को नियंत्रण रखने के लिए मानव हितों से संबंधित विभिन्न कार्यों की ओर आकृष्ट होना चाहिए। मानव की बौद्धिकता उसकी विशिष्टता तो है ही, लेकिन वह उसे पाप में प्रवृत्त करने का हेतु भी है। वास्तव में मानव बौद्धिकता ही समस्त पापों की जड़ है। बौद्धिकता मनुष्य को विश्लेषणात्मक बना देती है। विश्लेषण द्वारा वह किसी तथ्य का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और साथ ही साथ वह एक से अनेक करने का स्वभाव भी बना लेता है। परिणाम स्वरूप वह अत्यधिक स्वार्थी एवं आत्मकेंद्रित बन जाता है। अपने लाभ के लिए एवं कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति को हानि पहुंचाकर आनंदित होने के लिए वह बड़े से बड़ा पाप कर्म भी कर डालता है। इस प्रकार मनुष्य की बौद्धिकता यदि एक ओर उसे रचनात्मक प्रेरणा देती है, तो दूसरी ओर उसे विखंडन या विनाश के लिए भी प्रेरित करती है। इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में मनुष्यता बौद्धिकता में निवास ना करके उसके व्यवहार में निवास करती है। व्यवहार में बौद्धिकता का समावेश तब ही हो सकता है जब सद्बुद्धि मौजूद हो, सद्विवेक उपस्थित हो। और सद्बुद्धि या सद्विवेक यथार्थ में सुमति ही है। सुमति संपन्न व्यक्ति को अनेक अनमोल निधियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति को सुमति संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी शिक्षा एवं समाजीकरण निभाता है। इसी से किसी व्यक्ति के विवेक युक्त व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उचित शिक्षा व्यक्ति को विनम्रता एवं शालीनता का पाठ पढ़ाती है और उसे स्वावलंबी बनाती है। शिक्षा ही उचित अनुचित, अच्छे बुरे में अंतर करने की दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सही गलत, सत्य असत्य की पहचान कर सकने में सक्षम बनता है। इसके अतिरिक्त
शिक्षा विद्यार्थियों में उच्च चारित्रिक गुणों का निर्माण करके उनमें देश एवं समाज के प्रति उदात्त भावनाओं का विकास करती है, अर्थात समाज के अन्य सदस्यों के प्रति सद्विचार उत्पन्न करती है और सुमति संपन्न व्यक्ति निरंतर न सिर्फ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है बल्कि इससे समाज एवं राष्ट्र भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। स्टॉप। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।